ये इसमें पानी है, इसमें दवाई है। हाँ ये देखो भाई केले कैसे होते हैं यहाँ पे, पर ये तो बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल सिटी एक्सप्रेस। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे। तो करते हैं आप सबको, आपको अपनी यूट्यूब चैनल में वेलकम और करते हैं व्लॉग स्टार्ट। तो आप सबको तो पता ही होगा, हम पहुँचे थे साउदा डायमंड फ्राइड कैरेट के पास। तो कल हमारी गाड़ी की लोडिंग नहीं होगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अपनी गाड़ी की लोडिंग कन्फर्म होगी। तो अभी हम वहाँ से निकल के आए, अभी क्या बोल रहे हैं इसको, खेत में जाना है जहाँ पे अपनी गाड़ी लोड होगी। तो अभी फिलहाल अपनी गाड़ी का कांटा हो रहा है, और जो दूसरी गाड़ी है बिलाल भाई की, उसको कांटा वांटा हो गया, वो भी निकली लोड करने के लिए। एक्चुअली हमारी गाड़ी कल ही लोड हो जाती, पर बात ये होगी क्योंकि एक ही गाड़ी कन्फर्म होगी, मतलब हम गए थे माल भरने के लिए मैं इस गाड़ी को लेके, पर जो दूसरी गाड़ी संगी गाड़ी थी बिलाल भाई की, वो नहीं लगी, उसकी वजह से हम भी फिर वापस आ गए, क्योंकि संग पक्का होना चाहिए। तो चलते हैं, करते हैं अपनी गाड़ी की लोडिंग स्टार्ट, देखते हैं कहाँ पे होगी और कितने बजे तक अपनी गाड़ी लोड होगी, फिर उसके बाद निकलेगी। आज काफ़ी दिनों के बाद करेंगे अपना सफ़र फिर से श्रीनगर की तरफ स्टार्ट। अभी ये देखो अपनी गाड़ी का कांटा हो रहा है, तो वहाँ पे भी हमने कल किया था कि जो डायमंड फ्राइड कैरियर है वहाँ पे भी पहले अपनी गाड़ी का कांटा हुआ था, मतलब वो हमने कल किया, पर यहाँ पे भी शायद गाड़ी का कांटा हो रहा है, क्योंकि मैं भी पहली बार आया, मुझे भी उतना कन्फर्म नहीं है। तो ये जो यहाँ पे आपको बाई नज़र आ रही है, ये मतलब गाड़ी की लोडिंग वगैरह जो भी काम होता है वो करते हैं, ठीक है, पर हम लेबर नहीं बोल सकते, हमें उनको अपने भाई ही समझेंगे, जैसे हम में वैसे ये भी है, ठीक है। तो चले भाई, गाड़ी घुमाना यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मतलब रास्ते भी कम है ना, इसलिए। नियर सा नियर सा नियर सा नियर सा। वहाँ पे आगे खेत है, वहीं पे अपनी गाड़ी लगानी है। अल्हम्दुलिल्लाह शायद गाड़ी भी मुड़ जाएगी आराम से, क्योंकि मतलब बहुत टेंशन रहता है गाड़ी मुड़ने का, फिर भी देखो मुश्किल ही होता है यार। गाड़ी भी आपने मोड़ के लाई, तो ये देखो यहाँ पे बिल्कुल रोड भी लगाई, मुकद्दर अच्छा था, वरना मतलब अंदर जाना पड़ता है। जैसे कि मैंने इससे पहले बहुत सारे वीडियोस देखे, मतलब जो भाई यहाँ कंटिन्यू चल रहे, पर मैं पहली बार ही आया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा मैं पहली बार आया, क्योंकि मेरा भी ड्रीम था, मैंने भी सोचा कभी मैं भी जाऊँ, पर ये नहीं कि मतलब मैं केले पर चलूँ, पर मतलब मैं भी देखूँ केले का बाग कैसा होता है। तो ये लगा दी अपनी गाड़ी यहाँ पर, बिल्कुल नज़दीक में ही आए थे, बिल्कुल रोड पर ही है, मतलब अच्छा है। अब देखेंगे मतलब करेंगे ये लोडिंग वोडिंग स्टार्ट, तो आप स्टार्ट तो आपको भी दिखाएंगे, आप वीडियो के साथ बने रहे यार। चले ये अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी की रोड पे, तो अभी थोड़ी देर में लोडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब मैं लेके चलता हूँ आप सबको इस गार्डन में, जो कि मतलब बनाना गार्डन है, केले का बाग है। तो देखो भाई साहब, ये देखो भाई केले कैसे होते हैं यहाँ पे, पर ये तो बिल्कुल छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। तो जिसको ये बांध के है ना साइडों में ये कवर लगा के, ये तो सही है। ये देखो आप, इधर से मैं दिखाऊंगा इनको, अब काट के मतलब अच्छे से साफ करके गाड़ी में लोड करते हैं। मतलब आप गार्डन देखो कैसा होता है, जब मैं इसके अंदर आता हूँ मुझे लगता है यहाँ पे गर्मी नहीं होगी, क्योंकि पूरा छत ऊपर से मतलब लगा है, ये पत्ते लंबे लंबे पत्ते ऊपर से, मतलब जो धूप है वो नीचे नहीं आती है, किसी किसी जगह आती है, वरना मतलब देखो कितना ये है, ऊपर पत्ते हैं, बिल्कुल छत लगा है ऊपर, मतलब यहाँ पे मज़ा आता है बैठने का। मैं सुबह से यहीं पे बैठा था, और ये देखो, पर क्या करें खाने के लायक नहीं है, क्या मज़ा है, कच्चे हैं बिल्कुल, मतलब जब तक हम श्रीनगर पहुँचेंगे तब तक ये पक जाएगी, अच्छे हो जाएंगे। और ईद पे इंशाल्लाह यही केला आप खाओगे, जो जो खाएगा वो कमेंट बॉक्स में बोलना कि सेठी भाई जो आपने केला लोड करके लाया, मुझे लग रहा है ये वही केले है जो हमने आज खाए है। ये देखो आप अंदर से, मतलब मुझे ये एक ड्रीम था कि मैं मतलब जब इससे पहले एक साल दो साल पहले मतलब कुछ भाइयों के वीडियोस देखता था कि मतलब वो यहाँ आते थे केला भरने के लिए, मतलब जो लोग यहाँ पे कंटिन्यू चलते हैं बहुत है, मतलब जो कश्मीर के ड्राइवर है बहुत सारे यहाँ पे कंटिन्यू चलते हैं, 12 महीने केले पे चलते, पर मैं आज पहली बार आया, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। तो मतलब मैं सोच रहा था जब मैं फेसबुक या यूट्यूब किसी भी जगह पे वीडियो देखता था, वीडियो देखता था या कुछ रील्स देखते थे इंस्टाग्राम पे, तो मतलब तब मैं सोचता था कि मैं कभी जाऊँ यार उधर, क्योंकि मेरे पास तो छोटी गाड़ी थी, आप सबको तो पता ही होगा, मतलब हम इतना दूर नहीं आते थे, बस दिल्ली श्रीनगर चलते थे, ज़्यादा मानो दिल्ली लाइन ही चलते थे। तो मैं सोच रहा था मैं कब उधर जाऊँ, मैं कब देखूँ ये केले का बाग, पर ये नहीं था ड्रीम कि मतलब मैं केले पे चलो, मैं के मतलब बड़ी गाड़ी लाओ फिर मैं बस केले पे चलो इधर, क्योंकि 12 चक्का गाड़ी केले के लिए है ही नहीं यहाँ पे, मतलब 10 चक्की गाड़ी बेस्ट है, वही मतलब यहाँ पे ठीक रहेगी, जो सौदा लाइन मतलब इस केले पे सब्जी पे ज़्यादा, मतलब मेरे ख्याल से 10 चक्की गाड़ी इस पर बेस्ट है, 12 चक्का इस पर बेस्ट नहीं है, क्योंकि 12 चक्का में ऑलरेडी आप सबको भी तो पता ही होगा 24 टन वजन पास है, तो मतलब ये थोड़ी 24 टन नहीं देते हैं, ये मतलब यही 18 टन
18 टन देते हैं 12 चक्का को, मतलब उसमें उसको वारा नहीं है। तो चलो क्या करें, मतलब बीच बीच में मतलब आते हैं कुछ 12 चक्का इस पर भी चलते हैं, पर वो परमानेंट चलते हैं, कंटिन्यू चलते हैं। तो चलो हमें भी मुकद्दर में था, हम आगे जो मुकद्दर में होगा वो देखेंगे आगे आगे क्या होता जाएगा। ऐसे तो हम खुद जज नहीं कर सकते हैं, मतलब ये नहीं बोल सकते हम इधर नहीं आएंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे, जो ऊपर वाले ने लिखा होता है वही मिलता है। मतलब आज मुझे लग रहा है 20-22 दिन हो गए घर से निकलते हुए, पर यही मुकद्दर में यही माल था, यही भरना था यहाँ से, तो क्या करें, इसमें किसी की रुकावट नहीं हो सकती है। तो मतलब वरना हम गए थे हैदराबाद, वहाँ से भी डायरेक्ट माल मिल सकता था, मतलब जो गाड़ियाँ वहाँ पे भी आती है, मतलब अक्सर मुझे लग रहा है आधे रास्ता का आते हैं, मतलब जब वहाँ से भी सीज़न चालू होता है आम का। मतलब ये देखो कहाँ पे अपनी गाड़ी लगी है, बिल्कुल रोड पे, तो वो एक साइड में और एक गाड़ी लगी है, ऊपर से वो बिछाया गया है, बंद किया है, और मतलब जो डब्बे है इसमें मतलब पहले वहाँ से काट के लाते हैं, फिर उधर वो देखो दो टैंकी लगी है उसमें साफ़ करते हैं, फिर उसके बाद मतलब शायद दवाई डालते हैं, उसके बाद डब्बे में पैक होता है, फिर उसके बाद गाड़ी में लोड होता है। तो मतलब यही 2-3 बजे तक अपनी गाड़ी की लोडिंग भी कम्प्लीट हो जाएगी, और जो जो मतलब जो जितना मुझे पता होगा उतना तो मैं आप सबसे शेयर करूंगा। हो रही है अपनी गाड़ी लोड, तो अभी टाइम हो गया दिन के 1, तो मानो 1 बजे तक कंप्लीट होगी गाड़ी, तो अभी भी लोडिंग चल रही है, मानो अभी 1-2-3 घंटे में मानो 3-4 बजे तक अपनी गाड़ी कंप्लीट लोड हो जाएगी। तो ऊपर से इतनी गर्मी है ना, पूछो मत, मतलब गाड़ी में मतलब बैठ नहीं सकती है, इसलिए अब मैं नीचे ही आया, ऊपर से फ़ोन भी ओवरहीट हो रहा है, तो अब मैंने ये कपड़ा थोड़ा गीला करके लाया, क्योंकि यही इसको पीछे से बांध के रखता हूँ, तभी कैमरा ओपन होता है, तभी वीडियो मतलब शूट हो रहा है, वरना तो मतलब बहुत सारे भाई बोल रहे हैं सेठी भाई आप बड़ा वीडियो नहीं डाल रहे हो, आप कंटिन्यू व्लॉग नहीं डाल रहे हो। यार फ़ोन ख़राब है, ओवरहीट हो रहा है, ख़राब भी तो नहीं है, मतलब ओवरहीट हो रहा है, फिर कैमरा ही ओपन नहीं हो रहा है, पूरा हैंग हो रहा है, ऑटोमेटिक स्विच ऑफ स्विच ऑन जा रहा है। अब आपको थोड़ा पीछे से भी नज़ारा दिखाएंगे, अभी हाँ खेत में से मतलब ये काट के ला रही है केले, तो फिर उसके बाद मतलब वो जो दो टैंक लगी है पानी के उसमें मतलब वो दो के फिर डब्बे में पैक होता है, सीधे गाड़ी में लोड होता है। तो चलते पीछे से भी आपको थोड़ा दिखाएंगे लोडिंग किस तरह हो रही है अपनी गाड़ी को। इसमें पानी है, इसमें दवाई है, हाँ, तो मतलब वहाँ से लाते हैं खेत से, और यहाँ काटिंग होती है, फिर इस पानी में, फिर उसके बाद ये दवाई, फिर उसके बाद वहाँ पे, फिर उसके बाद पैकिंग, तो उसके बाद डायरेक्ट अपनी गाड़ी में लोड होता है। देखो भाई कैसे काट रहा है, भाई काटना तेज, ये एक्सपीरियंस बहुत खतरनाक है ना, मैं डरता हूँ क्योंकि ये बहुत तेज होता है। जो कि मैंने टारगेट दिया था कि 3 बजे तक अपनी गाड़ी की लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो फाइनली अपनी गाड़ी की लोडिंग भी कंप्लीट होगी, अब बस रास्ता त्रोपाल पर, वो तो मेरे से नहीं होगा क्योंकि गर्मी बहुत है, ऊपर से सजाद भाई भी बोल रहे हैं गर्मी बहुत है, तो मतलब अभी मतलब धूप ज़्यादा है, अगर थोड़ा डाउन होता है 6-7 बजे तक मतलब कंप्लीट करते, फिर उसके बाद हम खुद भी त्रोपाला डाल सकते हैं। तो इसलिए हमने जो मतलब हमारे भाई जो गाड़ी लोड कर रहे थे, तो उन्हीं को मैंने बोला कि अब आप ही त्रोपाल डालो, पैसा दे देंगे, कोई नहीं, मतलब ये अक्सर डालते हैं गाड़ियों को त्रोपाल, इनको ये काम भी आता है, क्योंकि मतलब जैसे हम मतलब कई सालों से मतलब अपने काम में एक्सपीरियंस है, तो वैसे इनको भी है, मतलब इन लोगों ने भी अब ये काम सीखा है रस्सा त्रोपाल मारना, तो इसलिए अब मैंने इन्हीं को बोला कि आप हमारी गाड़ी को रस्सा त्रोपाल डालो, 200-300 ले जाते ये भी, तो मतलब हम भी थोड़ा मतलब आराम कर लेते, क्योंकि भाई बात ये नहीं है कि मतलब हम नहीं डाल सकते, डाल सकते यार, मतलब अभी त्रिपाला डालेंगे तो फिर मतलब यहीं से सफ़र अपना स्टार्ट हो गया, 3-4 दिन कंटिन्यू दिन रात चलना है, मतलब बंदा तो थक जाता है यार, इसीलिए मतलब हम सोचे कि यही त्रिपाला डालें, ताकि हमें भी थोड़ा एनर्जी रहेगी चलने के लिए, बाकी कुछ नहीं। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगा कि मतलब भाई अभी त्रिपाल डाल रहे हैं, तो ये देखो अपना शहनशाह निकलने के लिए रेडी है, अब बस थोड़ा रह गया, आधा त्रिपाल भाइयों ने डाला, तो अभी आधा हो रहा है, तो पीछे फटे वाटे और पीछे मतलब हाइट थोड़ी अभी बची है, तो वो बराबर कर लेगी, और जो वो उन लोगों ने ऊपर छाई के लिए त्रिपाल वपाला बिछाया था वो भी इन लोगों ने हटा लिया, और जो बाकी भाई है वो त्रिपाला डाल रहे हैं आगे, मतलब हो गया कम्प्लीट, आप देखो इधर से यहाँ तक तो हो गया, हो गया अपना काम सब ओके, रसा वसा लोडिंग सब कुछ ओके। ये देखो पीछे से अपने शहनशाह का लुक,
तो गर्मी से बुरी हालत होगी। त्रिपाल तो हमने नहीं डाला, पर जो पीछे से मतलब ये बैलेट वगैरह और पीछे से खुद ही रसा मतलब बांधा, तो उसकी वजह से थोड़ा। तो चले अब बस निकले यहाँ से, करेंगे अपनी गाड़ी का कांटा पहले, उसके बाद चले गए वहीं ट्रांसपोर्ट पे, डायमंड ट्रांसपोर्ट पे, और जो दूसरी गाड़ी है बिलाल भाई तब तक वो भी आएगा ले लेके अपनी बिल बिल्टी वगैरह, तो निकलेंगे करेंगे अपना सफ़र स्टार्ट। आ गया अपना शहनशाह कांटे पे, अब बस यहाँ पे अपने पहले शहनशाह का कांटा होगा, फिर उसके बाद ही निकलेंगे, और तब तक बिलाल भाई भी आएगा, करेंगे उसका वेट वहीं पे जो डायमंड ट्रांसपोर्ट है वहीं पे रुकेंगे। तो आप भी बोलना कमेंट बॉक्स में शहनशाह कैसा जज रहा है। ए देखो भाई क्या लुक है शहनशाह का, ओवर हाइट माल कुछ अलग ही जज रहा है भाई। मैं बिलाल भाई का वेट कर रहा था, तो अभी टाइम हो गया 6:30, फाइनली बिलाल भाई भी आ गया। तब तक मैंने नहाया वहाया फ्रेश हो गया, क्योंकि गर्मी बहुत लगी थी दिन को खेत में। तो अभी मैं अपनी गाड़ी में बैठा हूँ, अब बस वो बिलाल भाई सजाद भाई जो अभी आए थे वो जाएंगे अब नहाने के लिए, वो नहा के आएंगे तो फिर हम करेंगे अपना सफ़र स्टार्ट। तो भाई एक मिल गया यहाँ पे, तो अब इसी के साथ बैठा था, थोड़ा बात कर लेते, आप सबको भी मिलाते अपने भाई से, अपना फैन है भाई। क्या नाम है भाई? सोहेल। सहेल भाई का नाम है। तो भाई सौदा में रहता है, तो काफी टाइम से मेरे वीडियोस देख रहा था, तो पर फाइनली आज भाई मिल गया। तो भाई क्या कहना चाहते हो YouTube फैमिली को? YouTube फैमिली क्या बोलेंगे यार, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। हाँ मतलब कैसा लगा सेठी भाई से मिलके? बहुत अच्छा लगा। मतलब कभी सोचा था सेठी भाई इधर आएगा? छह की गाड़ी चला रहा था। नहीं सोचा था कि नहीं आ पाएंगे, लेकिन बड़ी गाड़ी लिया था तब पता चला कि भाई इधर जरूर आएंगे। हाँ अब तो इंशाल्लाह मुकद्दर में अगर होगा तो फिर आएंगे, वरना मुझे लग रहा है कि यहाँ 12 चक्का ठीक नहीं, क्योंकि 10 चक्के की गाड़ी इस लाइन में बेस्ट है। अच्छा अब देखेंगे कभी मतलब इस साइड में आते हैं। ठीक है तो बस करते अपने भाई से बात, और इंस्टाग्राम पे थोड़ा रील डालेंगे भाई के साथ, क्योंकि भाई बोल रहे हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम पे रील डालो, फिर उसके बाद अब तक बिलाल भाई भी आएगा तो निकलेंगे। तो आई होप आप सबको मेरा ये ब्लॉग वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो करते इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में, तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज़। बाय कर दो सहेल भाई। ओके बाय।